व्हाट्सअप वड़ी, तो कैसे आप सभी लोग। ये आई एम बैक इन माय एसएमपी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। दैट्स लेविज द अंपायर एसएमपी सीजन 4 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज आज है 14th of August और रात के बज रहे हैं 11, मतलब 15 अगस्त आने में सिर्फ और सिर्फ एक घंटा बच रहा है। और भाई कोई काम ही नहीं किया भाई फ्लैग पे, ना ही मतलब कुछ डेकोरेशन, जगह तक नहीं डिसाइड किया कि कहाँ पे फ्लैग बनाना है। 3-4 दिन से डिस्कॉर्ड पे सिर्फ हल्ला वगैरह हो रहा था कि फ्लैग बनाना है, बट कहाँ बनाना है, क्या करना, कोई प्रिपरेशन ही नहीं है भाई। डिस्कॉर्ड से याद आया भाई, तुम लोग भी ज्वाइन हो जाओ, अगर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे मस्ती होते रहती है पूरी दिन, आ जाओ जल्दी से। तो गाइज अभी ना हम लोग एक घंटे के अंदर यहाँ पे फ्लैग बनाने वाले हैं, जितनी देर में बने, लेकिन आज ही रात को बनानी है फ्लैग। तो देखो पहले हम लोग बनाने वाले थे कॉन्क्रीट का फ्लैग, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण भाई वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसके लिए सैंड लाना पड़ता, ऊपर से ग्रेवल लाना पड़ता। सैंड का तो कोई नहीं हो जाता जुगाड़, लेकिन भाई ग्रेवल बहुत ही ज़्यादा हल्का हार्ड हो जाता। तो सबने मिलकर यहाँ पर बातें की, उसके बाद से एक जुगाड़ खोजा और वो था उल। हाँ, हम लोग उल का फ्लैग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एलेक्स को बोल दिया उल कलेक्ट करने के लिए, जहाँ भी भेड़ मिलती है उसको छील लो, और नहीं तो फिर एक छोटा सा फार्म भी बना हुआ है वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर उसको डाई भी करना है, तो डाई के लिए काम दे दिया गया इटाची को कि भाई तू डाई लेके आ, उसको कन्वर्ट कर, डाई में बदल। और हम लोग ने उसको जो फ्लैग होता है उसका डंडा बनाने के लिए हम लोग सोचे फोर्ट्रेस का जो बाल होता है उसको तोड़ के लेके आएंगे। तो उसके लिए हम उस्मान भाई, लीजेंड भाई, एवीजी एंड इनोसेंट चीचा निकल जाते हैं फोर्ट्रेस को उखाड़ के लाने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पर न्यू था, मतलब इससे पहले मैं कभी आया नहीं हूँ, नीदर मैं फोर्ट्रेस में भी नहीं गया हूँ यहाँ पर का। तो भाई यहाँ पे मैं उस्मान के पीछे पीछे जाने वाला था, और भाई यहाँ पे नीदर में कोई मजाक नहीं। तो मैं जल्दी से अपना डायमंड कार्मर पहन लेता हूँ, और ये हमें आरजे ने आज सुबह ही गिफ्ट किया है, सुबह नहीं शाम को गिफ्ट किया, अभी तो रात है। हाँ, तो हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पर से, उस्मान के पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि उसको पता था रास्ता, और भाई उसने बना रखा है प्रॉपर रास्ता। तो मैं चल लेता हूँ उस्मान के पीछे, और यहाँ पे उस्मान हमारा इंतजार कर रहा, और भाई शायद से इसने टनल वाला रास्ता बना रखा है। हाँ, ये वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना इधर से गिरने का डर होता है ना ही उधर से गिनने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, आगे बहुत ही ज्यादा अब एसएमपी की वीडियो आने वाली है। और ये देखो हम लोग फोर्ट्रेस से पहुंच गए, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। और यहाँ पे ये देखो क्या बना रखा है यार, ये कोई ट्रैप सा बना रखा है ज़ॉम्बीज वगैरह के लिए। और ये देखो यार सारे बंदे यहीं पे लूजे पड़े हैं, और भाई मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा था, रात के 12 बज गए थे और देखो क्या कर रहे हैं लोग। और मजे की बात मैं बताऊँ, इन लोग में से किसी को भी बीदर हेड नहीं मिलता है, बीदर स्केल्टन ऐसे ही मर जाता है, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। और फिर हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं आखिरकार, ये फोर्ट्रेस को तोड़ना, और क्योंकि हमें बनाना भी था यार। और उधर वो लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, और भाई जैसे ही तोड़ना हम लोग ने स्टार्ट किया, तोड़फोड़ मचाई, हम पे हो जाता भाई हमला। और इससे बचकर हम लोग जल्दी से भागते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो चाहिए नहीं था ना, सिर्फ हमें झंडा ही बनाना था। तो जैसे तैसे करके हम लोग ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं, और यहाँ पर भाई फिर एक टेंशन रहती है कि आखिर बनाए कहाँ पे फ्लैग यार। तो भाई कोई बोलता है कि लीजेंड भाई अपने लिए बहुत ही बड़ा कासिल बना रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एरिया को क्लीन करके रखा है। तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी, फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं लीजेंड भाई के पास और उनका बेस यूज करने के लिए। और ये देखो भाई सच में बहुत ही ज़्यादा एरिया इन्होंने क्लीन कर रखा है भाई। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पर सभी बोलता है कि हाँ भाई यहीं पर बनाते हैं, तो सभी फाइनल हो जाता है। और लेकिन फिर यहीं पर इटाची बोलता है कि भाई हमें ग्रीन डाई नहीं मिल रही है। तो हम और एवीजी, ये देखो इतने बंदे भी ऑनलाइन है, रात के 12 बज रहे हैं भाई, 12 से ज़्यादा हो गए हैं। तो हम और एवीजी निकल जाते हैं डिजर्ट की तरफ, क्योंकि कैक्टस से ही हमें ग्रीन डाई मिल सकती थी। तो निकल जाते हैं हम लोग, और भाई तुम लोग को एक बात बताओ कि हम दोनों इधर से निकल जाते हैं और उस साइड से डेडमैन और इनोसेंट चीज़ें निकल जाते हैं, मतलब हम दोनों को नहीं पता रहता, उन दोनों को भी नहीं पता रहता, और एक ही डिजर्ट में हम सभी रहते हैं। और यहाँ पर से हम लोग कैक्टस तोड़ते हैं, और कैक्टस तोड़ के वापस चल भी जाते हैं, और फिर भी जब वापस पहुँचते तब जाके पता चलता है ये बात। तो हम लोग ने यहाँ पे सारा का सारा मतलब जितना जरूरत था उतना ही तोड़ा, और यहाँ पे तो टेम्पल था वहाँ कुछ नहीं मिला। और भाई यहाँ पे आके हम लोग जल्दी से बनाने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाती है ना, तो अब आप लोग टाइम लैप्स इंजॉय करो।
तो गाइज हम लोग 60 ब्लॉक की हाइट पे पहुंच जाते हैं और अब हमें लगाना था उल, और ये देखो एबीजी को इतना ऊपर आके गाजर खा रहा है। तो हम लोग उल लगाने के लिए इटाची के पास जाके उल मांग लेते हैं और फिर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो मैं ही बना रहा था इस फ्लैग को और मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मतलब कुछ दिखता नहीं आप लोग को सही से, तो पीछे रहता है एलेक्स, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू रिकॉर्ड कर और फिर मेरे को भेज देना फास्ट फॉरवर्ड करके। तो वो बंदा यार बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब 2 बज गए थे इस टाइम पर और उसने बहुत ही ज़्यादा मदद की। उसका फ़ोन भी रिचार्ज हो गया था फिर भी उसने चार्ज की रात को, तो थैंक यू सो मच एलेक्स। और अब आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। गाइस तो अब ये देखो अपना फ्लैग बनके तैयार हो गया और कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये फ्लैग? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता है आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।